मथुरा से है। मौलाना की काली करतूत शादी का झांसा देखकर मस्जिद का मौलाना करता था मस्जिद में महिला से दुष्कर्म। थाना सदर बाजार क्षेत्र में मौलाना मुकेरियान स्थित मस्जिद शादुल अल्लाह के मौलवी राशिद जोकी मुरादाबाद का रहने वाला है, जो कि पिछले 5 वर्ष से मस्जिद में रहकर नमाज और बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ने का कार्य कराता था। तो वहीं पीड़िता सकारा अपनी छोटी बहन को मस्जिद पढ़ाने के लिए छोड़ने जाया करती थी। कभी कभी प्रार्थी मौलवी राशिद को चाय भी देने उसके कमरे हुजरे में जाया करती थी। मौलवी राशिद सकारा पर बद नियत की नज़र रखता था और अपनी बातों में बहला फुसला कर कहने लगा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, कहकर मस्जिद के ऊपर बने कमरे में बुला लिया करता था और अपने दोस्त मौलवी सदाम को, जो कि अड्डे वाली मस्जिद सदर बाजार का है, सहयोग के लिए बुलाकर कमरे के बाहर ताला लगाकर निगरानी पर खड़ा करता था। मौलवी राशिद पिछले 1 वर्ष से सकारा के संग लगातार दुष्कर्म कर रहा था। तो वहीं पुलिस लाइन स्थित मौलवी हशीम वह भी अपने साथ बुला लिया करता था। वह भी सकारा के साथ अश्लील हरकत करता था। जब सकारा ने मौलवी से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने इनकार कर दिया और धमकाने लगा, अगर तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़िता का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने मुझ पर दबाव बनाया राजीनामे के लिए और मौलाना को भगा दिया। तो वहीं इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। तो वहीं पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरी मौलाना से शादी कराई जाए या उसे जेल भेजा जाए। सादुल्ला वाली मस्जिद में रासिल नाम के मौलाना रहते थे, वो मेरे साथ 1 साल से नाजायज संबंध बनाते रहे। जब मैंने शिकायत इसकी कमेटी वाले से की तो उन्होंने रातों रात फरार करवा दिया। तो आप क्या आपसे शादी करना चाहती हैं उनसे? जी शादी करना चाहती हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो गई है, चारों तरफ फैल गई है, कौन मुझसे शादी करेगा। तो आपने पुलिस में शिकायत की? शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस में ये कह दिया कि पहले हम उसका पता लगाते हैं कि कहाँ का रहने वाला। मैंने बता दिया कि मुरादाबाद का, बस आला डाली इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ सर। तो और कितने लोग थे इसमें शामिल? इसमें सद्दाम हाफिज जी थे अड्डे वाले और पुलिस लाइन वाले हाफिज जी हैं और हासिम हाफिज जी। तो वो भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि नहीं कर, सद्दाम हाफिज जी बाहर से ताला लगा देते थे, इसकी जानकारी पूरी उनको है सारी। तो जब कितने दिनों से चल रहा था ये पूरा? ये हो गया करीब 1 साल से तो बात होती रही, मगर 6 महीने से ही लगातार कहने लगे ठीक है हम शादी कर लेंगे और इस चीज़ के लिए तुम राजी हो जाओ। तो मैंने कहा आप शादी कर लोगे? हाँ मैं शादी कर लूँगी। शादी का झूठा जाता देखे मैं यहाँ से चले गए छोड़ के। तो ये पूरा मामला क्या मस्जिद में ही होता था? जी मस्जिद के हुजरे के कमरे पर ऊपर। तो वहाँ के लोगों को पता नहीं चला? ये पता चल गया था सर, इसीलिए वो कहने लगे पता चल जाएगी मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझे मस्जिद छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं समझ रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कमेटी वालों ने रातों रात भगा दिया। कहने लगे घर पे आए थे कमाल अंकल और हाफिज जी खुद आए थे, वो जिससे मेरी बात हो रही थी वो खुद आए थे, कहने लगे हम शाम को आपका निकाह करा देंगे, लेकिन रातों रात उन्हें फरार करवा दिया। जब मुझे 2 दिन बाद पता चला कि वहाँ पर हाफिज जी नहीं है, तो जब मैंने सुनवाई की सदर बाजार में थी। तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।